अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो अभी हम मैं बना रही हूँ सुबह में सहरी में बच्चों के लिए नाश्ता। तो बच्चे रख रहे हैं रोज़ा, तो मैं उठी हुई हूँ। सुबह के 4 बजे का टाइम है ये। तो ये देख सकते हैं मैंने बच्चों को बना के दिया है नाश्ता, क्योंकि गैस तो है नहीं, सिलेंडर पर मैंने बनाया और बच्चे अंदर बैठ कर नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने हाथ के हाथ ही यहाँ पर मैंने दाल भी भिगो के रख दी है, ये देखिए। ठीक है, रात को मैंने दाल भिगो दी थी, तो इसको बॉयल करने के लिए रखते हैं दाल को। ठीक है, 2 किलो चने की दाल है हमारी और 1 किलो दूध डाला है इसके अंदर। ठीक है, देखो मैंने सारी दाल जो है अपनी पीस ली है। ठीक है, बिल्कुल एकदम मालूम नहीं है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, ये देखें अभी आपको इसमें डलेगा, ये देखें। ठीक है, इसको मैंने पीस लिया, बहुत मुश्किल से पीसी जा रही थी क्योंकि ये 2 किलो दाल है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पीसा है, लेकिन ये है कि पीस गया। सबसे मेन काम यही है, और एक दूसरा है इसकी भुनाई करना। ठीक है, और यहाँ पर जो सूजी वगैरह है मैं इसको अभी साफ़ करती हूँ, क्योंकि सूजी में कंकर वगैरह होते हैं ना, तो उसको छानेंगे। और बाकी बादाम वादाम काटते हैं और चीनी वगैरह निकाल ली है मैंने। बैठ जाओ बेबी, आप गिर जाओगे, देखो बेबी ये खड़ा हुआ, सही है। और यहाँ पे ना मैंने सालन भी चढ़ा दिया है, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी फातिमे में आलू गोश्त का सालन भी। ठीक है, और सूजी का हलवा भी। और सबसे पहले मैं बना लेती हूँ दाल का हलवा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये देखो ये दाल की हो रही है अच्छी तरीके से भुनाई। ठीक है, दाल को मैंने भून के निकाल लिया था, तो देखो मैंने इसमें घी भी डाल दी है, छोटी इलायची और चीनी भी। और ये देखो कितनी अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो रही है। और यहाँ पे मैंने सारा सामान काट लिया। हाँ, ये ऊपर डालेंगे, ये भी ऊपर डलेगा जब तैयार होगा। और ये मैंने कूटा है मोटा मोटा, और ये बीच में डलेगा। ठीक है, और चीनी वगैरह मैंने डाल दी घी वगैरह। हाँ अच्छा, उसमें बहुत मेहनत लग रही है बनाने में। अभी जैसे घी कम लगेगा तो और भी डाल लेंगे। सही सही, अरे देखो मैंने हलवा निकाल लिया, अब इसके ऊपर मैं डालती हूँ गरी। और ये गर्म बहुत है, अभी ऐसे ऐसे करेंगे ना ये जम जाएगा साथ के साथ। अभी ये गर्म बहुत हो रहा है, करके टेस्ट कर देते हैं। जितने भी बादाम चीज़ें हैं ना, सब इसके अंदर चिपक जाएंगे। हाथों पे घी लगा के करना, वरना हाथ के ऊपर चिपक जाएगा ये। रुको बेटा, रुको रुको उठो। ये देखो ये 4 डिशें बनी है, ये 2 किलो दाल की। ये देखो अब इसको रखेंगे 1 घंटे के लिए हवा में। हाँ बेटा, फिर ये सेट हो जाएगा। सही है, बस दाल का हलवा मैंने बना लिया। और अब मैं बना रही सूजी का हलवा। देखो ये 1 किलो है सूजी, सही है। और ये किशमिश है, काजू है, बादाम है, और पिस्ता है, और पिसा हुआ खोपरा है। साबुत खोपरा नहीं, मैं डाल दूँ इसके अंदर। सही है, सबसे पहले पत्ती खुश हो गई, इसमें हम भुनेंगे सूजी। बड़ा बर्तन इसलिए लिया ना, फिर ये फूलती है ना सूजी, फिर छोटा बर्तन कम पड़ जाता। बस मैं पहले इसको भूनती हूँ, फिर मैं इसको निकालती हूँ। ये देखो सूजी हो रही है, और यहाँ पर जो मेरा आलू गोश्त सालन भी तैयार हो गया, मैंने भून के पानी डाल दिया इसके अंदर। बस अब आलू गल जाएंगे, बड़ा गोश्त बना रही हूँ मैं। सारी तैयारी कर ली है मैंने नियाज की, फिर बाकी शाम को होगा सारा काम। सूजी भून के मैंने निकाल ली, और अब मैंने इसमें डाल दिया घी। ठीक है, और अब इसमें डाल देते अपनी इलायचियाँ, चीनी डाल के पानी डाल के शीरा बना लिया इसका। ठीक है, शीरे में उबाल आता था, फिर इसमें डालते सूजी। सारा मोहल्ले में हमने बांट दिया हलवा, तो देखो बर्तनों पर ढेर। सही है, अभी इसके पापा लगे हुए तकसीम करने में, तो अभी ये रह गया, बाकी तो मैंने सारा तकसीम कर दिया। बाकी बर्तन देखो मेरे फुल हुए पड़े हैं। ये क्या बाकी हलवा है, ये किराएदार ने। अच्छा, ये किराएदारों का है, चलो सही है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं पुलाव, देखो यखनी तैयार है बड़े गोश्त की, और बन रहा पुलाव। अभी मैंने बनाया था आलू गोश्त, लेकिन बोल रहे हैं आलू गोश्त नहीं पुलाव बनाओ, क्योंकि अब कर रहे हैं रोज़े की तैयारी, तो रोज़ा खुलने वाला है, तो बस फटाफट से बना लेती हूँ मैं पुलाव। बनानी है पकौड़े वगैरह, और मस्जिद में जो है मौलवी वो बोलने लग गए, क्योंकि आज शाम को है मस्जिद में मिलाद। ठीक है, ये अंडे जिनके पकौड़े बनाऊंगी, ये बनाया रायता मैंने पुलाव के साथ और उसके साथ। और ये है आलू काटे मैंने, और ये बेसन गोल लिया। अजान नहीं हो रही है, कभी आप लोग कहें अजान हो रही है, वीडियो बन रही है, नहीं अजान नहीं हो रही है, क्योंकि ये मौलवी साहब ना आज बोल रहे हैं, क्योंकि आज शाम को है मिलाद वगैरह इसलिए। और मेरा सामान तैयार हो चुका है, मैंने पुलाव चढ़ा दिया, चावल अभी डालना बाकी है। अंडे के पकौड़े सबसे पहले, और अंडे के बनाऊंगी, फिर उसके बाद बनाऊंगी आलू के। और ये भी तैयार हो गया, मेरा पुलाव भी तैयार हो गया, बस सही बात भी दिखाऊंगी। दस्तखान लग गया हमारा, सही है, सब सामान वगैरह, अंडे के पकौड़े, दूसरे पकौड़े, और रायता भी, और
बनाया मैंने, और जो मेरा मज़ेदार सा पुलाव, सब आ गए हैं। बेबी भी आ गए मेरा। चलो इनके पापा आ रहे हैं, समोसे लेने गए हैं पापा। देखो समोसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। हो गया ना रोजे का, खजाने शुरू हो रही हैं। चलो खोलते हैं रोजे। कैसे हैं आप? हम रोज़ा खोल रहे हैं। रोज़ा खोल रहे हैं आज। चलो रोज़ा खोल रहे, टाइम हो गया। हम लोग खोल रहे हैं रोज़ा। रोज़े का टाइम हो चुका है, सबने रोज़ा खोला है। सही है, आज पूरा दिन बहुत काम किया मैंने। और मेरी आज पूरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, हो रहा है रोज़े का टाइम, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।